अब रेंजर और पाकिस्तान रेंजर सिंध रेंजर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जी हां, इनके न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं 2024 में। मैंने सेकंड टाइम वीडियो बनाई थी, हर बंदे ने कहा था फेक है। अब भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या अपनी पीसी के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, पंजाब रेंजर के अंदर या सिंध रेंजर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताने जा रहा हूँ आपने अप्लाई जो है वो करना कैसे। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें हर बंदा ये कह रहा था ये फेक है जी बंदा, और ये कोई भी अपना रेंजर की अप्लाई नहीं आई। आप ऊपर जो इनकी डेट है वो चल रही है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनकी जो लास्ट डेट है सिंध रेंजर की वो क्या है, आप लोगों के सामने ये पट्टी चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं है, ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे। लास्ट में आपको बताऊंगा आपने किस लिंक के ऊपर क्लिक कर आपने इसको अप्लाई करना है। जी हाँ, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग अप्लाई जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, आपने अप्लाई बड़ी आसानी से करना है। करना कैसे, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ तो इनकी वैकेंसीज आई हैं। कितनी वैकेंसीज आई हैं देखिए, ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान सिंध रेंजर वैकेंसी कोटा। इसमें सबसे पहले जो पंजाब के जो सीटें हैं और सिंध की सीटें हैं, केपीके के लोग हैं, गिरगिट बलोचिस्तान से हैं, फाटा से हैं और बलोचिस्तान से हैं, कहीं से भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, 18 साल से लेकर 28 साल तक इनकी जो अपना एज है लिमिट है वो रखी गई है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है इनकी जो डेट है वो आप अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं सिंध रेंजर की। कोई इसमें कोई धोखा फ्रेब नहीं है, ना ही कोई फ्रॉड है। ये जो वैकेंसी न्यू आई हैं 2024 की वैकेंसीज हैं, जो पुरानी वैकेंसी नहीं है, मैं ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो वैकेंसी हैं पुरानी नहीं है, न्यू वैकेंसी थे 2024 की। ये ऑफिशियल इनका जो पेज है एक लेटर जारी हुआ है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ इनका ऑफिशियल। 133 विंग में इनका जो सेंटर है आप देख सकते हैं, 133 विंग में इनकी जो सेंटर है कराची हब चौकी के अंदर, उसके अंदर इनकी जो ट्रेनिंग है वो होगी। और इसके अलावा आप अगर कराची में हैं तो आप इनकी सेंटर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बीमारी की सूरत में वीडियो नहीं बना सकूँ, तो अल्लाह ने शफा दी, आपकी दुआ थी, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ बेहतर हूँ तो ये वीडियो बना रहा हूँ। बलोचिस्तान से जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बलोचिस्तान के लोग हैं वो 24 से 21 और 30 से 29 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो डेट हो, मैं 133 विंग फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर आर्मी ये देख लें बलोचिस्तान में, आप उस जगह भी जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इनका जो सेंटर के नाम लिखे हुए हैं, ये 32 विंग रेंजर ये देख लें, ये भी आप इधर जाकर भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। मगर हर विंग में इनकी जो वैकेंसीज आई हैं वो आप उन लोगों ने एक मुकम्मल डिटेल दी हुई है भी आपने अप्लाई करना कैसे। हम अभी आ जाते हैं मुद्दे की बात पर भी, हमने ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे, सबसे बड़ा सवाल। डेट भी आप ले देख लें, जो इनकी डेट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद आपको बता दूं आपने अप्लाई करना कैसे। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट है वो मैं देता रहता हूँ। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल। मैं न्यूज़ जॉब्स पाकिस्तान में कितनी आती हैं वो मैं कवर करता हूँ और मैं अपडेट देता हूँ। अगर किसी दोस्त को भी कोई भी मालूम चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी मसला है तो मेरे टिकटॉक पे आकर मुझे आप इनबॉक्स मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, मेरे टिकटॉक और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन होने की कोई भी फीस या चार्जेस नहीं लेते। हम आपको PDF के ज़रिए फाइल वगैरह सेंड करते रहते हैं, जो भी पेपरों की तैयारी वगैरह होती है हम वो करवाते रहते हैं। फीमेल हो या मेल हो, हम कोशिश करते हैं 100% उनके साथ तावन किया जाए। कितनी मालूम हमारे पास होती है हम फीमेल को और मेल को दोनों को देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, अपना टिकटॉक पे लिंक भी दे दूंगा, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मसला होता है मुझे कॉल भी आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मसला नहीं है। 24 घंटे मेरा सेल फोन नंबर व्हाट्सअप ऑन होता है, आप मुझे कॉल करके अपनी डिटेल कोई भी हो
पूछ सकते हैं। एफसी बलूचिस्तान के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई, अदरवाइज पूरे पाकिस्तान की जॉब साथी मैं कवर करता हूँ, तो लेकिन कोई भी मसला आप पूछ सकते हैं। यूएई में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स की, वो भी मुझसे आप डिटेल ले सकते हैं अपने अप्लाई कैसे करना है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ, अपना अप्लाई करने से पहले आपको बता दूँ, कितनी मेरी माएँ बहनें पाकिस्तान के अंदर जो स्कैम का सामने कर रही हैं या फ्रॉड हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, स्कैम हो रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी अपनी माओ बहनों के आगे, इन लोगों से बचें। ये जो फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं लोगों अपना फीमेल के साथ, उनको जॉब्स का लारा लगाकर, जॉब्स का मतलब उनको गलत गाइड करके पैसे लेते हैं या उसको मिस यूज़ करते हैं, प्लीज़ उनसे बचें। आप खुद देखें, जो बंदा जानवर है मेरे पास ना है, मैं नहीं कहता हूँ आप मेरी वीडियो देखें, आप उस बंदे के पास जाएं जो बंदा जानवर है, फ्रॉड नहीं है, स्कैमर नहीं है। पहले बंदे को देखें, बंदा रियर है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसके बाद उस बंदे को ट्रस्ट करके आप उसको अपनी मालूमात सेंड कर सकती हैं और उससे अपनी जॉब्स के बारे में बात कर सकती हैं। और बाकी अल्लाह पाक हर मुसलमान को दया दे, हम दुआई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अप्लाई का। अप्लाई मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट रेंजर की जो है इस तरह की आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने ये अप्लाई नो वाला ऑप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने कहीं भी नहीं जाना। एक नीचे लिंक दे दूंगा, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपने इसके ऊपर, ये मैं निशान लगा देता हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अप्लाई नो लिखा हुआ है, ठीक हो गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा, वो ऊपर लिखा होगा पाकिस्तान रेंजर, सिंध रेंजर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है, सिंध रेंजर करना, ठीक हो गया। सबसे पहले ऊपर ये देख लें अप्लाई लिखा हुआ है, पोस्ट आपने इधर क्या लिखना है, ये अभी बात जो इधर चीज़ है वो समझने वाली, अक्सर आप गलती कर जाते हैं तो बाद में आप ये कहते हैं जी अपना क्या हो गया, तो हमारी तो अप्लाई नहीं हो रही। आपने अप्लाई करने के सीट के ऊपर है, ये देख रहे हैं, एक मिसाल मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ इस सिपाही के ऊपर, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। इसमें वो कह रहे हैं जी देख लें 18 साल से लेकर मुझे 31-30 साल तक वो ले रहे हैं, छाती आपकी 6 अपना 5-6 होनी चाहिए, हाइट आपकी जो है 5'6" होनी चाहिए, मुकम्मल वो डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। आपकी क्या है उम्र इतनी, अगर आपकी है तो इसको ओके कर दे, अगर नहीं है इसको आप कैंसिल करके किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आप लोगों ने कहना हमें आपने बताया नहीं। उसके बाद नीचे CNIC कार्ड नंबर आपने इधर लिखना है, और इधर आपने CNIC कार्ड नंबर लिखना है, तरीक पैदाइश लिखनी है आपने इधर, इधर डिटेल मांगना वो लिखना है। हम नीचे आते हैं, नीचे इधर आने के बाद आपने अपने डिवीज़न लिखना, आप मुल्तान थे, खानवाल थे, लाहौर थे, किधर थे हैं, तो मैं तो फिलहाल मुल्तान ही लिख देता हूँ, वैसे मैं मुल्तान थूँ नहीं, मुल्तान लिख दिया। नीचे फादर नेम है, नीचे फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इधर वो कह रहा है जी आप पंजाब की, पंजाब से, मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब लिखूँगा। नीचे आते हैं, वो कह रहा है जी पंजाब आप किस जगह से हैं, तो आप कोई भी लिख देते हैं। नीचे आते हैं जी, ये मतलब फीमेल मेल वो जो तरीकाकार होता है वो लिख दें, जितनी अपनी अपनी हाइट वगैरह लिख देनी है, 5'2" कितनी भी है, तो ये मुकम्मल डिटेल जो मतलब पहले जो रेंजर वाले लेते हैं वही डिटेल है। आपने इस जगह पे अपना एड्रेस लिखना है, अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद सबसे बड़ी आप लोग गलती कर जाती है, इधर मोबाइल नंबर आप वो लिखते हो जो मोबाइल नंबर आपके बंद होते हैं, आपने इधर वो मोबाइल नंबर लिखने हैं अपने दो, अभी हर बंदा इस दौर में 5-6 सिमें चला रहे हैं, आपने इधर दो मोबाइल नंबर वो लिखने हैं जो आप लोग के 24 घंटे ऑन होते हैं, UK हैं, जों के हैं, कोई भी अदर नेटवर्क है, आपने वो इधर मोबाइल नंबर लिख देने हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इधर अपनी जो आपकी एजुकेशन होगी आपने वो इधर इंटर करनी है, वो इंटर करने के बाद उसके अलावा आप नीचे देख लें मुकम्मल जो डिटेल रेंजर मांग रही है आपसे, आपने वो इनको डिटेल अपनी दे देनी है, जो आपके पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने इनको मुकम्मल डिटेल दे देनी है। नीचे आपने इस नो करना या यस करना, सबसे बड़ा सवाल लोग इधर फंस जाते हैं कि हमने इधर लिखना क्या, नो करें या यस करें। आप लोग इधर इसको अगर आपने इस हिसाब से नो करना है नो कर दें, यस करना यस कर दें, आप ये पहले इसको रीड कर लें, रीड करने के बाद जो भी आपका यस या नो सवाल या निशान होता है आपने वो करना, ये नहीं कहो आपने ये पहले इसको रीड ना करें, रीड करने के बाद आप इसको यस या नो कर दें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप लोग पहले देख लें, इसको पहले देख लें क्या आपकी हाइट वगैरह सारी इसके बराबर है, तो फिर आपने सोल्जर पे करनी है, अदरवाइज इसके अलावा काफ़ी वैकेंसी देख लें, ये काफ़ी
वैकेंसी दें, आप किसी और पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर दें। आप ESI सब इंस्पेक्टर इसको कहा जाता है रेंजर के अंदर, आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हवलदार के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मतलब अंथीर के अंदर टंडाल है, अंथीर है, एंथी भी, आप काफ़ी जो इनकी वैकेंसी दें आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। खाली सोल्जर की वैकेंसी नहीं आई, ये मैं सिंह रेंजर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत प्यारी वैकेंसी थी, आप इसको ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करने का जो तरीकाकार मैंने सारा बता रही, आखिर पे आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक टिक का निशान आ जाएगा और ऊपर आपके सारा कुछ डिटेल लिख लेगी, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रखना है, उसके बाद रेंजर वाले आपको खुद ही कॉल करेंगे या मैसेज कर देंगे, आपने उस कॉल या मैसेज के पे आपने उन सेंटर में पहुंच जाना है और आपकी जो फिजिकल जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी या प्रैक्टिकल आपका जो मेडिकल होगा वो आपका शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी, नहीं होगी या लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त मेरे नीचे कमेंट्स करते हैं ये फेक है उनके लिए जिंदा मिसाल है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि सिंध रेंजर की जो वैकेंसी जाने वाली हैं आप तैयार हो जाएं, तो उनमें लोगों ने कहा था ये फेक है जी फेक है। अभी उन लोगों के अपना मुंह के ऊपर मैं लानत फेर देता हूं जो मेरी वीडियो को नीचे कमेंट्स करते हैं फेक हैं। अभी आप लोगों के सामने जिंदा मिसाल है, आपको मैं इस तरीके अगर बता रहा हूं लाइव, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे। मैं तो कहता हूं जो लोग मेरी वीडियो को नीचे कमेंट्स करते हैं शर्म से डूब मरो सालो, अभी तो देख लो आपके सामने ये मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं, अगर मैं आपको गाली दूं या आपको मैं गलत मतलब वर्ड इस्तेमाल करूं या जब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं फीमेल या मेल हैं उसके नीचे मैं आपको रिप्लाई दूं भाई आप तो वो गंदी गाली दूं, तो वो आप में और मुझ में फ़र्क कोई नहीं रह जाएगा। जब भी कोई ऐसा बंदा मुझे कमेंट्स करता है ये फेक या फ्रॉड, मैं नीचे एक ही लिखता हूँ थैंक्स ओके गुड बाई, मैं ये लिखता हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि मैं किस नेचर का बंदा हूँ और आप लोग आपके माँ बाप उन लोगों ने आपको क्या सिखाया होगा। इसलिए प्लीज़ भाई कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करें और देख लिया करें ये बंदा कैसे है, बंदा फ्रॉड है, स्कैम है या क्या चीज़ है। इसलिए प्लीज़ मैं यही कहता हूँ स्कैम और फ्रॉडियों से बचा करें और अपने आप को बचाया करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।